हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैगन भाजा। ये बंगाल की मशहूर रेसिपी है बैगन भाजा। इसे लोग दाल चावल के साथ खाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बैगन भाजा बनाने की सामग्री है, एक बैगन हमने लिया है, इसे बंगाली में बैगन कहते हैं। आधा चम्मच नमक, चौथाई चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है और आधा चम्मच रेड चिली पाउडर। बैगन को हम ऐसे पीसेस में काटेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, मोटा रखेंगे। और अब इसमें हम हल्दी पाउडर मिलाएंगे। अब इसमें हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें नमक डालेंगे। दोनों तरफ हम मसाले को अच्छे से इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से बैगन के ऊपर मसाला लगाकर रख दिया जाता है और जब हम खाना खाने बैठते हैं उस समय बैगन को गर्मा गर्म फ्राई करें और तुरंत दाल चावल के साथ खाएं तो असली स्वाद इसका मिलता है। पैन गर्म हो चुका है, अब पैन के अंदर हम तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम बैंगन को फ्राई कर लेंगे। शुरू में बैंगन जो है वो तेल हमारा ज्यादा सोखता है और जैसे जैसे वो पकने लगता है तेल को छोड़ने लगता है। बैंगन को हम पलट लेंगे इस तरह से, दूसरी ओर से भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। बैगन को हमने दोनों तरफ से सेक लिया है और आप देख सकते हैं तेल जो है बैगन बहुत कम सोखा है और तेल हमारा सब साइड में निकल आया है। अब इसी में हम दूसरा बैगन भी फ्राई कर लेंगे। बैगन भाजा बनकर तैयार है, इसे आप भी बनाइए और गर्मा गर्म दाल चावल के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।